आज हमारी जाशनवी बनी हुई है डॉक्टर, उसके बनी को लग गई है आंख में चोट, तो ये उस पर लगा रही है बैंडेज। ये दिन में कम से कम 10 बार तो मुझे बैंडेज लगाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में असली की चोट पर इतने बैंडेज नहीं लगाए हैं जितना कि इसने मेरी नकली चोट पर बैंडेज लगा दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश्वरी और मैं रहती हूँ दुबई में मेरी फैमिली के साथ। मैंने मेरे 1 BHK अपार्टमेंट में बनाया है एक क्यूट सा इंडोर गार्डन, जिसमें मेरे पास हैं 140 प्लस इंडोर हाउस प्लांट्स और उसी से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर में क्रिएट करना चाहते हैं एक क्यूट सा इंडोर गार्डन, बट आपको नहीं पता कौन से प्लांट्स हैं बिगनर्स फ्रेंडली, प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, कितना पानी देना है, कितनी धूप देनी है और आपको किन प्लांट्स के साथ अपनी ग्रीन जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको मेरे वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी इस ग्रीन जर्नी में। फ्रेंड्स, मैंने मेरे इंडोर गार्डन की जर्नी स्टार्ट की थी सिर्फ 3 प्लांट्स के साथ, जिसमें कि ये है मनी प्लांट, जीजी प्लांट और अम्ब्रेला ट्री। ये तीनों ही प्लांट मेरे इंडोर गार्डन के सीनियर सिटीजन बन चुके हैं क्योंकि इनको मेरे पास हो चुके हैं पूरे 6 साल। 3 हाउस प्लांट्स के साथ स्टार्ट हुई मेरी ये ग्रीन जर्नी अब पहुंच चुकी है 140 प्लस इंडोर हाउस प्लांट्स तक और आगे भी ये सिर्फ बढ़ती ही जाएगी क्योंकि मैं टाइम टू टाइम न्यू प्लांट्स ऐड करती रहती हूँ मेरे प्लांट कलेक्शन में, तो मेरा प्लांट कलेक्शन दिन पे दिन होता जा रहा है और भी बड़ा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे मैं मेरे इतने सारे इंडोर प्लांट्स का केयर रूटीन फॉलो करती हूँ और मैंने आपको दिखाए थे मेरे इंडोर गार्डन से बेबी प्लांट और मदर प्लांट और क्यों मैंने मदर प्लांट को कट करके लगाया है पानी में, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको आज के इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीक दुबई का मौसम रहा बहुत अच्छा क्योंकि यहाँ हुई थी खूब झमाझम बारिश, दिन में भी बारिश हुई थी, रात को भी बारिश हुई थी और जब भी बारिश होती है तो मेरा इंडोर गार्डन बन जाता है बालकनी गार्डन। मैंने मोस्टली प्लांट्स को रख दिया था बालकनी में ताकि उनको भी बारिश का पानी मिल सके। फ्रेंड्स, मौसम अच्छा हो गया, उसके बाद भी कैसे मेरे 2 प्लांट्स ख़राब हो गए इस बारिश की वजह से, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लास्ट 3 वीडियोस देखेंगे तो उन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि मैंने किसी ना किसी प्लांट को प्रोपोगेट किया है। मैं अपने मोस्टली सभी प्लांट्स को प्रोपोगेट करती रहती हूँ पानी में, बहुत इजी है। पानी में प्लांट्स को कैसे रखना है, कैसे केयर करनी है, इस पर मैं आपके साथ ऑलरेडी कई वीडियोज शेयर कर चुकी हूँ। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसमें प्लांट्स इन वाटर करके जो प्लेलिस्ट है आप में वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्लांट्स को पानी में कैसे लगाना है, कटिंग को कैसे उनकी केयर करनी है, तो आप एक बार वो उन वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज भी मैं एक और प्लांट को कट करके लगाने वाली हूँ पानी में और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इस प्लांट को कट करने वाली हूँ और इसको कट करने का डिसीजन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे डर भी लग रहा है कि अगर इसका प्रोपोगेशन नहीं हो पाया तो मेरा ये पूरा प्लांट हो जाएगा बिल्कुल ख़राब। और इस वक्त इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हो रही है इस प्लांट की ग्रोथ, बट फिर भी मैं इस प्लांट को क्यों कट कर रही हूँ, क्यों मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, तो वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो देखिएगा एंड तक, ये होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इस प्लांट के अलावा आज मैं 2 और प्लांट्स को कट करने वाली हूँ और उन प्लांट्स को भी आज मैं फर्स्ट टाइम कट करूँगी, तो मैं शेयर करने वाली हूँ उनकी भी डिटेल आपके साथ। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को प्रोपोगेट कर रही हूँ इस वक्त पानी में ताकि कि 1 से 2 महीने में उनमें अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाएँ और जब उनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो मैं उनको ट्रांसफ़र कर दूँगी अच्छे से चंकी सॉइल मिक्स में। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और गर्मियों में प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, गर्मियाँ होती हैं प्लांट्स का ग्रोथ का सीज़न, तो मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगा रही हूँ पानी में ताकि कि मैं गर्मियों के सीज़न में अपने इंडोर गार्डन में और भी न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे प्लांट्स लगाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो।
पहला प्लांट जिसे आज मैं कट करके लगा रही हूँ पानी में, वो है ये एपिपलनम पिनाटम एल्बो। फ्रेंड्स, जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये एक सिंगल लीफ से ग्रो हुआ है। जो ये इसकी बड़ी वाली लीफ है, ये कटिंग मैंने बाय की थी, और इसमें जो आप बाकी की ग्रोथ देख रहे हैं, ये सभी ग्रोथ सिर्फ एक ये सिंगल नोट कटिंग से ग्रो हुई हैं। ये प्लांट भी पहले पानी में ही लगा हुआ था, और जब इसमें अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया सॉइल में। इस प्लांट को मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया था, इस वाले में इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको प्लांट्स इन वाटर केयर वाले वीडियो में, एक बार आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस कटिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है सॉइल में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले प्लांट्स को पानी में प्रोपोगेट करती हूँ, जब उनमें रूट अच्छे से डेवलप हो जाती है तो मैं उनको सॉइल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, वही मैंने इसके साथ किया था। इसकी ग्रोथ हुई है बहुत अच्छी, इसमें बहुत सारी न्यू लीव्स आई हैं, बट आगे चल के ना इसमें थोड़ा सा ये गैप आ गया है। इसमें इसकी जो गैप है, ये देखने में बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है, और मैं इसको मॉस पोल पे चढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मॉस पोल पे मैं चढ़ाऊँगी इसको, इसमें ये बीच में गैप रहेगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको कट करके यहाँ से लगा दूँगी पानी में। और इससे फ़ायदा भी होगा, एक तो जो ये कटिंग है इसको न्यू लुक मिल जाएगा, और जो मेरी न्यू कटिंग होगी वो मैं पानी में प्रोपोगेट कर लूँगी उसको, तो मेरा एक दूसरा प्लांट भी तैयार हो जाएगा। और इस कटिंग को अब मैं रख रही हूँ मंजुला पोथोस की कटिंग के साथ, क्योंकि मेरे पास अब जार्स होते जा रहे हैं ख़त्म। जितनी भी ग्लास बोतल थी वो मैंने मोस्टली सब यूज़ कर ली है, सिर्फ एक या दो बची हैं, तो इसलिए मैं अब एक बोतल में दो या तीन से ज़्यादा कटिंग्स रख रही हूँ। और ये इससे फ़ायदा भी होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं प्रोपोगेशन में। जैसे आप इस वाले जार में देख सकते हैं, इसमें सिल्वर लेडी की, प्लैटिनम की, और मनी प्लांट, और पर्ल एंड जैट पोथोस, तीन चार कटिंग इसमें एक साथ रखी हुई है प्रोपोगेशन के लिए। ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट जिसे आज मैं कट करने वाली हूँ, और आज मैं इसे फर्स्ट टाइम कट करूँगी। ये फ्लोटरेनन की ही एक वैरायटी है, बट एग्जैक्ट आईडी मुझे इस प्लांट की नहीं पता है। ये मैंने लिया था गर्मियों में, बहुत छोटा सा प्लांट था, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई थी, बट एक दिन मेरे से हो गई गलती, मैंने इसको रख दिया बिल्कुल विंडो के पास, जहाँ इसको मिली दिन भर की कड़ाके वाली सनलाइट, जिसमें इस प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो झुलस गई थी, और फिर इसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में, तो इस प्लांट ने अच्छे से ग्रोथ की थी। आप देख सकते हैं जो इसकी ये ऊपर की लीव्स है कितनी शाइनी है, बहुत अच्छी इस प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, बट नीचे से इसकी जो लीव्स हैं बिल्कुल डल दिखती हैं, जली हुई हैं, इसीलिए मैं इसके जो अच्छा वाला पोर्शन है उसे मैं कट करके लगा दूंगी पानी में, और जब उसमें अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी अच्छे से चंकी सॉइल मिक्स में। इस तरह मेरा एक हेल्दी न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट की कटिंग को प्रोपोगेट करने का जो सबसे इजी और कन्वीनियंट तरीका है वो है पानी में प्रोपोगेट करना। आप चाहें तो डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं, बट सॉइल में बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि जो आपकी कटिंग है वो प्रोपोगेट होगी, क्योंकि सॉइल में आप पानी का आपको आइडिया नहीं रहता है, कभी ओवर वाटरिंग हो जाएगी, कभी अंडर वाटरिंग हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जो प्लांट की कटिंग है वो डायरेक्ट सॉइल में जब आप उसे प्रोपोगेट करेंगे तो वो गल जाती है। बट जब आप किसी भी प्लांट की कटिंग को पानी में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जो आपकी कटिंग है उसमें रूट्स डेवलप होंगी। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो मैं आपको ऑलरेडी कई वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा पूरी डिटेल के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो प्लांट जिसे कट करके मैंने लिया है रिस्क। मुझे नहीं पता कि ये प्लांट प्रोपोगेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट उम्मीद तो यही है कि मेरे बाकी प्लांट्स कटिंग की तरह ये भी पानी में प्रोपोगेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मॉन्स्टेरा एरेंसोनिया लैनियाटा, और ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये सॉइल में लगी हुई थी पहले। आप जो उसकी रूट्स देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर में इसीलिए हैं क्योंकि ये सॉइल रूट्स हैं। सॉइल में ये प्लांट जब मेरे पास आया था तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, इसलिए फिर मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया पानी में। और आप इसमें जितनी भी ये ग्रोथ देख रहे हैं ना, इसकी जितनी प्यारी प्यारी शाइनी लीव्स हैं, ये सब पानी में ही ग्रो हुई हैं। फ्रेंड, जब मैंने इसे पानी में लगाया था तो इस स्टैम्प पर एक भी लीफ नहीं थी, इस कटिंग पर एक भी लीफ नहीं थी, ये सभी लीफ पानी में ही ग्रो हुई हैं, और
बहुत तेज़ी से ग्रो हुई हैं। मैंने इसे रखा था विंडो के पास डायरेक्ट सनलाइट में और इसने काफ़ी अच्छा किया है। बट आप जो ये देख रहे हैं ना, इसमें ये खाली स्पेस हो गया है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, तो मैं इसको मॉस पोल पर लगाना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं इसे मॉस पोल पर लगाऊंगी तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मॉस पोल भी मुझे काफ़ी लंबा बनाना पड़ेगा जो कि काफ़ी वेस्ट होगा। इसलिए मैं इसे कट करके लगा दूंगी पानी में, जिससे कि जब इसमें अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो फिर मैं इसको मॉस पोल पर चढ़ा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे बारिश की वजह से मेरे दो प्लांट्स ख़राब हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बारिश होती है तो मैं अपने मोस्टली प्लांट्स को बालकनी में रख देती हूँ ताकि कि उनको भी बारिश का पानी मिल सके। तो बाकी प्लांट्स के साथ मैंने मेरे इन बाल्टिक ब्लू पोथोस को भी रख दिया था बालकनी में, क्योंकि ये काफ़ी अंदर की साइड रहते हैं हॉल में, जहाँ इनको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है। तो जब बारिश बंद हो गई उसके बाद भी दो तीन दिन मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा प्लांट्स को मैं भी बालकनी में ही रहने देती हूँ, दो तीन दिन धूप इनको लग जाएगी क्योंकि धूप अभी इतनी तेज़ है भी नहीं है। बट फ्रेंड्स, एक दिन इतनी तेज़ धूप निकली ना कि जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स थे वो तो उस सनलाइट को झेल गए, लेकिन ये दोनों प्लांट्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट थे और ये सनलाइट नहीं झेल पाए और सिर्फ एक दिन की धूप में इनकी, इवन एक दिन भी नहीं, सिर्फ आधे दिन यही इनकी हालत हो गई पूरी तरीके से ख़राब। जैसे मैंने इनको देखा, इनकी लीव्स पूरी तरीके से जल चुकी हैं और अभी ये प्लांट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अभी तो मैंने इनको अंदर रख दिया है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको भी कट करके पानी में लगा दूँ, क्योंकि ज़्यादातर इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो जल चुकी हैं। आई होप प्रोपगेशन के बाद शायद जब इनमें न्यू ग्रोथ आएगी तो ये प्लांट अच्छा करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस ये प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत ही हेल्दी प्लांट था, दोनों ही प्लांट बहुत हेल्दी थे। बट एक जरा सी गलती की वजह से इन प्लांट्स की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। इनको इस हाल में देख के मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी इनको बचाने की। आई होप ये प्लांट्स पहले जैसे हो जाएँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा ही बाल्टिक ब्लू पोथोस के जैसा प्लांट जो कि ख़राब हो गया था, उसे मैंने कट कर दिया और उस प्लांट ने कैसे बाउंस बैक किया है, उसकी अब ग्रोथ कैसी हो रही है, ये मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे प्लांट्स लगाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।